फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ सेव पाव। ये पुणे का फेमस स्ट्रीट फूड है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे बर्गर बन का इस्तेमाल किया है। ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं तो मैं इन्हें ले रही हूँ, आप पाव भी ले सकते हैं। बटर चाहिए हमें, चीज़ चाहिए, ये मेयोनीज ली है मैंने, और ये मीठी और तीखी चटनी लिया है। इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप चैनल से भी इसे देख सकते हैं। ये चाट मसाला लिया है, बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं, बारीक कटी हुई ककड़ी ली है, और ये चटपटा मसाला सेव लिया है। गैस चालू करके तवा को गर्म होने देंगे। पाव को हमें बीच से काटना है, कुछ इस तरह से। देखिए, चाकू से इसे बीचों बीच काटिए और इस तरह का एक पॉकेट तैयार कर लीजिए। तवा पे आप थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसमें हम इन पाव को सेक लेंगे। ऊपर से भी थोड़ा बटर लगा के अच्छे से सेक लेते हैं। थोड़ा सा बटर मैं पाव के बीच में भी लगा रही हूँ और इसे पलट कर सेक ले रही हूँ। गैस को अब ऑफ कर देंगे और इसे तवे पे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। पाव पे सबसे पहले चटनी लगाना है, तो पहले मैं मीठी चटनी लगा रही हूँ, फिर इस पे तीखी चटनी लगा लेंगे। बारीक कटी हुई ककड़ी डालेंगे अब, और इस पे अब टमाटर भी डाल लेंगे। थोड़ी सी मेयोनीज डाल रही हूँ, और ये थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। और आखिरी में इसे सेव से गार्निश करेंगे, तो ऊपर से इसमें सेव रख दीजिए, और ये जो दूसरा टुकड़ा है पाव का, उसको ऊपर से इस तरह से ढक दीजिए। और ये हमारा सेव पाव बनकर तैयार है। अब सेव चीज़ पाव बना लेते हैं। तो इसमें भी मीठी चटनी और तीखी चटनी लगाना है। थोड़ी सी ककड़ी डाल लेंगे और टमाटर डाल लेंगे। चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और इसमें भी थोड़ी सी मेयोनीज डालेंगे। मेयोनीज से टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। अगर आपको मेयोनीज पसंद नहीं है, इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। अब हम इसमें चीज ग्रेट करेंगे और इस पे भी हम ये सेव डालेंगे। ऊपर से थोड़ा सा और चीज ग्रेट करेंगे और इसे इस प्रकार से कवर कर देंगे। और ये तैयार हो गया चीज सेव पाव। दोनों ही खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, जरूर ट्राई करके देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।